बिशप जी की गवाही है, इनको 8 साल से हार्ट की बीमारी थी। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा हार्ट में फेस मेकर डालना पड़ेगा और उसके बाद ये मेहनत वाला काम नहीं कर पाएंगे। इनके पास ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं थे, इसीलिए इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। हार्ट की समस्या होने के कारण इनका खान पान लगभग बंद हो गया था और ये अपने हार्ट का इलाज कराते कराते बहुत ज़्यादा गरीबी में चले गए। फिर ये 4-5 महीने पहले इनके भाई ने इन्हें चर्च के बारे में बताया और चमत्कार चर्च में आए। वह बिशप जी से प्रार्थना करवाई और पहली प्रार्थना में ही इनकी हार्ट की बीमारी इनके शरीर को छोड़कर निकल चुकी है और अब ये बिल्कुल ठीक है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और कोई दवाई नहीं खा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इनकी दूसरी गवाही है, इनकी पत्नी को 15 सालों से दिमागी परेशानी थी जिसके कारण उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। डॉक्टरों के पास उन्हें लेकर गए और बहुत सी दवाइयां दिलाई, फिर भी उन्हें आराम नहीं आ रहा था। इन्होंने बहुत महंगी महंगी दवाइयां उन्हें खिलाई, फिर भी उन्हें आराम नहीं आया। इन्होंने तांत्रिकों को भी दिखाया, फिर भी आराम नहीं आया। उनके इलाज कराते कराते इनके घर का हालात बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे और ये भाई अपने जीवन से बिल्कुल हार चुके थे। फिर ये अपनी पत्नी को 4-5 महीने पहले चर्च में लेकर आए, वह बिशप जी से प्रार्थना करवाई, उसके बाद ये पत्नी बिल्कुल सही है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें इस गवाही के लिए। हालेलुया, जय मसीह जी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं ठीक हूँ। लिखा के 15 सालों से परेशानी थी। 15 सालों से मैं परेशान थी, मेरी दिमागी हालत बहुत खराब थी। आज मैं प्रभु यीशु मसीह की कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। तो लिखा है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। जी हाँ। तो अब जब आप चमत्कार चर्च में आए, 4-5 महीने हो गए उस समय आए थे, उसके बाद आप ठीक हो? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद भी ठीक हूँ। देखिए, 15 सालों से दिमाग की परेशानी थी, 15 सालों से याददाश्त भी इनकी जो थी वो कमजोर हो गई थी इतने लंबे टाइम से। देखिएगा, एक घंटा 2 घंटे के लिए अगर दुख हो तो कितनी बड़ी पीड़ा होती है। 15 सालों से इतनी बड़ी परेशानी थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने इन्हें चंगा किया। और इनके जो भाई की गवाही है कि उन्हें 8 सालों से हार्ट की, मेरे को हार्ट में दर्द था जी, हार्ट में दर्द होता था। डॉक्टरों ने बोला था इसको फेक मेकर डलेगा, ऑपरेशन होगा फेस मेकर डलेगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 3 महीने घर पे ही रहा। अच्छा, 3-4 महीने में घर पे पड़ा रहा। फिर मेरा भाई आया, उसने बताया चर्च के बारे में और मुझे चर्च में लेके आया। एक ही बार आया था, मेरा दर्द गोली दवाई सब कुछ। हालेलुया, वाह, धन्यवाद करे परमेश्वर का। जय मसीह, बहुत परेशान ठीक है। तो फिर डॉक्टर ने रिपोर्टें वगैरह की होंगी? हाँ जी, लेके नहीं आया मैं। ओके, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने रिपोर्ट करके फिर कहा होगा अभी ये जो है हार्ट में फेस मेकर डालना पड़ेगा। हाँ जी, मैं बिल्कुल लूट चुका था जी। हम दोनों ही बीमार रहते थे, कुछ नहीं था मेरे पास। बच्चे भी रोते थे, माँ बाप भी रोते थे, कुछ नहीं था मेरे पास। और चर्च में आने के बाद मैं ठीक हूँ। वाह, देखिए कितनी बड़ी बात है। 8 सालों से हार्ट की जो थी वो प्रॉब्लम थी, दर्द होती थी जैसे हार्ट में, और रिपोर्टें करवाई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा और लिखा हुआ उन्होंने कि फेस मेकर डालना पड़ेगा उसमें। लेकिन भाई के पास पैसे भी नहीं थे इसलिए ये घर पर ही रहे। लेकिन जब ये चमत्कार चर्च में आई, पहले दिन ही ठीक हो गए? पहले दिन ही मेरा भाई लेके आया था, पहले दिन ठीक हो गया। मोहन लेके आया था। हाँ जी, पहले दिन ठीक हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वाओ, पहले दिन परमेश्वर चंगा। हार्ट का ऑपरेशन कैंसल, हार्ट का ऑपरेशन कैंसल हो गया। वाओ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बड़ी गवाही के लिए, धन्यवाद करते हैं।
और इनकी जो पत्नी है 15 सालों से वो बीमार की परेशानी थी उसे यीशु मसीह ने चंगा किया। बहुत से लिखा इन्होंने कि बहुत से तांत्रिकों के पास भी दिखाया, कोई राम नहीं आ रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया।